मित्रों, आज आप जानने वाले हो एक ऐसा रहस्यमय शिवलिंग के बारे में जिसकी पूजा केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी करते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जिस पर उर्दू में एक कलमा भी लिखा गया है जिसे दरअसल मुस्लिम धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। मित्रों, गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के पास एक गांव है सराय तिवारी। यहाँ पर भगवान शिव की एक अनोखा शिवलिंग स्थापित है जिसे झारखंडी शिव कहा जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव की इस दरबार में जो भी वक्त आकर श्रद्धा से मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मित्रों, मान्यता ये है कि ये शिवलिंग कई सौ साल पुराना है जो यहाँ पर स्वयंभू रूप में प्रकट हुआ है। बता दें, शिवलिंग हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी उतना ही पूजनीय है क्योंकि शिवलिंग पर एक कलमा यानी कि इस्लाम का एक पवित्र वाक्य खुदा हुआ है। मित्रों, दरअसल मान्यताओं के अनुसार जब मोहम्मद गजनी भारत आया था तो गजनी ने अपनी सेना से इस शिवलिंग को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि वो जितनी गहराई में इस शिवलिंग को खोदते थे शिवलिंग उतना ही बढ़ता चला जाता था। यहाँ तक कि गजनी ने भी इस शिवलिंग को तोड़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इस दौरान गजनी के साथ आए हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने गजनी को सलाह दी कि वे शिवलिंग पर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें ईश्वर की शक्ति मौजूद है। मित्रों, तब गजनी ने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी लेकिन जाते जाते उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, परंतु शिवलिंग तब से मस नहीं हुआ और जब गजनी थक हार गया तो उसने शिवलिंग पर एक कलमा कुदवा दिया ताकि कोई भी हिंदू इसकी पूजा न कर सके। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही था क्योंकि हिंदुओं के साथ साथ रमजान में मुस्लिम भाई भी यहाँ पर आकर अल्लाह की इबादत करते हैं। बता दें, इस मंदिर पर कई कोशिशों के बाद भी छत नहीं लग पाया और यहाँ के शिव खुले आसमान के नीचे विराजते हैं। मित्रों, मान्यता है कि इस मंदिर के बगल में स्थित पोखर के जल को छूने से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग भी ठीक हो जाते हैं। मित्रों, तभी से अपने चरम रोग से मुक्त पाने के लिए लोग यहाँ 5 मंगलवार और रविवार स्नान करते हैं और इस तरह से अपनी चरम रोग से मुक्ति पाते हैं। मित्रों, भगवान शिव की सानों की चमत्कार के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।